नारायण के वामन अवतार के समय उन्होंने राजा बलि से मात्र 3 पग भूमि दान के रूप में मांगी थी। वामन ने अपने पहले पग में पृथ्वी और दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग में राजा बलि ने अपने आप को ही समर्पित कर दिया और तीसरा पग अपने सिर पर रखने को कहा। इस प्रकार की दान से प्रसन्न होकर वामन ने बलि को पाताल का आधिपत्य सौंप दिया और कोई एक वरदान मांगने को कहा। बलि अत्यंत चतुर था, उसने वरदान के रूप में भगवान को ही मांग लिया। उसने कहा कि नारायण सदैव उसके साथ ही रहे और विष्णु इस प्रकार असमंजस में पड़ गए। नारायण को बलि की बंधन में बंधता देखकर देवी लक्ष्मी ने बलि को अपना भाई बना लिया और उन्होंने नारायण को वचन से मुक्त करने को कहा और अपनी बहन की बात को मानते हुए बलि वर्ष में केवल 4 महीनों के लिए नारायण के पाताल लोक में रहने के लिए मान गए। तब से प्रत्येक वर्ष आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर 4 माह पश्चात आने वाली विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तक विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और उनका एक रूप पाताल में बलि के साथ वास करता है।